तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि टाइपोग्राफी आपके डिज़ाइन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो चलिए देखें कि टाइपोग्राफी आखिर है क्या। टाइपोग्राफी से आप एक डिज़ाइन का मूड सेट करते हो, या कहो कि एक टोन या एक स्टाइल सेट करते हो। सिंपल शब्दों में मैं बताऊँ तो टाइपोग्राफी एक आर्ट है जिसमें विजुअली आप वर्ड्स को कैसे दिखाते हो, आप फॉन्ट का टाइप कैसे इस्तेमाल करते हो और किस तरह से अपना मैसेज यूजर को कन्वे करते हो, सिंपल तरीके से उसे ही टाइपोग्राफी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि टाइपोग्राफी करने से पहले आपको किस किस बातों का ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पे है हमारा फॉन्ट हेल्वेटिका न्यू। अभी आप देखोगे कि हेल्वेटिका न्यू के अंदर ही अलग अलग फॉन्ट के ऑप्शन है। इसे हम कहेंगे टाइपफेसेस। टाइपफेसेस यानी एक ही फॉन्ट के अलग अलग प्रकार। जैसे यहाँ पे हेल्वेटिका न्यू 25 अल्ट्रा लाइट है, देन 35 थिन है, 45 फैमिली है, ये एक ही फॉन्ट के फैमिली है, तो इसे हम कहेंगे टाइप फेसेस। सिमिलरली अगर मैं बताऊँ ओपन सेंस के बारे में, ओपन सेंस में अंदर भी आप ओपन सेंस लाइट, ओपन सेंस लाइट इटैलिक, ओपन सेंस रेगुलर, रेगुलर इटैलिक, तो ये सारे फॉन्ट्स हैं, ये एक ही फॉन्ट के अलग अलग टाइप फेसेस है। टाइपोग्राफी करते समय कॉन्ट्रास्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट में देखो आपने व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट लिखा है, उसी तरह से राइट में आपने ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो ये रीडेबल है कम्प्लीटली और ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो यूज़र को यहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही है पढ़ने में। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप टाइपोग्राफी डिज़ाइन करते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सेरिफ, और दूसरा है सेंस सेरिफ, और तीसरा है डेकोरेटिव। यही तीन प्रकार के फॉन्ट के स्टाइल होते हैं या फॉन्ट के प्रकार होते हैं जो आप मोबाइल के लिए हो या प्रिंट के लिए हो या किसी भी तरह के डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन एग्जैक्टली ये है क्या। सेरिफ फॉन्ट जो है वो एकदम आसान है समझना। सेरिफ फॉन्ट को एक रॉयल फॉन्ट कहते हैं जो बेसिकली आप कॉरपोरेट बेस्ड वेबसाइट हो या प्रिंट डिज़ाइन हो उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेरिफ फॉन्ट को पहचानना काफ़ी आसान है। सेरिफ फॉन्ट को अगर आप देखो तो इसके एंड में यानी किसी भी कैरेक्टर के एंड में आपको थोड़ा सा टेल जैसा यानी पूंछ जैसा कुछ निकला हुआ मिलेगा, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये आपका सेरिफ फॉन्ट है। फॉर एग्जांपल जो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है जो आपके मशीन में बाय डिफॉल्ट विंडोज़ में अवेलेबल होता है, वो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है सेरिफ फॉन्ट का। सेरिफ फॉन्ट बहुत से लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कॉरपोरेट साइट हो या थोड़ा रॉयल रिचनेस दिखाने के लिए, कोई वैल्यू दिखाने के लिए जो वेबसाइट होता है या प्रिंट डिज़ाइन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसका जो टेक्स्ट है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करके बनाया गया है। सिमिलरली अगर आप देखें फोर्ब्स का मैगज़ीन भी जो है वहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया गया है। सिमिलरली वॉक मैगज़ीन या एंटरप्रेन्योर मैगज़ीन है, इसमें भी आप देखोगे कि सेरिफ फॉन्ट यूज़ करके उनका लोगो या टेक्स्ट बनाया गया है। दूसरा फॉन्ट है सेंस सेरिफ जो काफ़ी सिंपल है और रोज़मर्रा के लाइफ में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेंस सेरिफ एक काफ़ी सिंपल है। सेंस सेरिफ इसीलिए कहते हैं, सेंस का मतलब होता है बिना, यानी बिना सेरिफ के यानी बिना टेल के, जो हमने सेरिफ में देखा था। इसको पहचानना काफ़ी इजी है क्योंकि ये बहुत सारे फॉन्ट हम लोग रेगुलर इसको यूज़ करते हैं। सेंस सेरिफ का काफ़ी बेसिक एग्जांपल है एरियल फॉन्ट या ओपन सेंस फॉन्ट जो हम लोग नॉर्मली गूगल के मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, या एरियल फॉन्ट जो हमारे बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है जो हम रेगुलर बेस पर यूज़ करते हैं। सेंस सेरिफ फॉन्ट का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है उसका जो फॉन्ट यूज़ किया है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट है। देन टॉप गियर जो ऑटो बेस्ड मैगज़ीन है या फिर फिल्म फेयर मैगज़ीन जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो फॉन्ट जो वहाँ यूज़ किया गया है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट है। तीसरा फॉन्ट जो मैंने बताया था वो डेकोरेटिव फॉन्ट है। ये ना सेंस सेरिफ है ना सेरिफ है, ये कस्टमाइज फॉन्ट है जो लोग पैटर्न अपना खुद का पैटर्न यहाँ बनाते हैं, ये कंप्लीट कस्टमाइज फॉन्ट है। इसको आप देखो कि किसी भी तरह का इसका शेप होता है, राउंड शेप, सर्कल शेप या किसी भी तरह का डिज़ाइन ऐड किया हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डेकोरेटिव फॉन्ट का। या फिर आप बनाना मैगज़ीन देखें तो इसमें भी आपको दिखेगा कि जो फॉन्ट है वो कस्टमाइज्ड फॉन्ट है। या फिर किसी भी पोस्टर में देखो, जैसे कि थ्री इडियट मूवी का जो पोस्टर है, जो थ्री इडियट का लोगो है या फॉन्ट जो यूज़ किया हुआ है नेम टाइटल के लिए, वो भी है, वो एक डेकोरेटिव फॉन्ट है। तो यहाँ सेरिफ और सेंस सेरिफ का यूज़ नहीं किया गया, ये डेकोरेटिव फॉन्ट है जो बेसिकली यूज़ किया गया है। अगर आगे हम लोग देखें तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो फॉन्ट बनाते समय या टाइपोग्राफी डिज़ाइन करते समय देखा जाता है। एक पैरामीटर्स है जो कुछ सेट किया जाता है, उसे कहते हैं अलाइनमेंट या फिर लाइंस। आप देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने देखा, अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है हैप्पी दिवाली। अब ये जो पूरा टेक्स्ट है दिस इज़, ये जो नॉर्मल है ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है। आगे हम लोग देखें जो ये फॉन्ट
या फिर आप जो कैरेक्टर्स है वो जो बेस लाइन है उनकी जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स रुके हुए हैं उसे कहते हैं हम बेस लाइन। दूसरा होगा मिडल लाइन, यानी जो कवर करेगा ऊपर का लाइन और नीचे के लाइन का जो डिफरेंस है उससे कहते हैं मिडल लाइन। ये बेसिकली प्रिंट में जब आप ये देते हो या ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स या विजिटिंग कार्ड, इस तरह के जो कार्ड्स बनते हैं तो इस तरह का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट होता है इसका एसेंडर हाइट, यानी टॉप लाइन, यानी जो कैपिटल लेटर होता है उसका जो टॉप है वो कितना आगे तक ऊपर तक जाता है वो जो लाइन होती है उसे कहते हैं टॉप लाइन। और जो बेस लाइन है वो हैप्पी का, जैसे पी जहाँ कवर हो रहा है, या वाई का जो पूछ है वो जो खत्म हो रही है उसे कहते हैं डिसेंडर लाइन, यानी बियर्ड लाइन। तो ये चारों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइपोग्राफी डिज़ाइन के वक्त या फिर किसी बड़े प्रिंट के डिज़ाइन के लिए। तो आप जब टाइपोग्राफी सीखते हो तो इस बात पे आप ध्यान दो कि आप अगर टाइपोग्राफी डिज़ाइन कर रहे हो या फॉन्ट कंसिडर कर रहे हो तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए मोबाइल डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन या किसी भी तरह के डिज़ाइन में। चलिए देखते हैं लीडिंग लाइन। ये जो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ जो यूज़र पढ़ेगा तो ये बहुत क्लटर तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ पे इनफ ब्रीदिंग स्पेस या वाइड स्पेस नहीं है यहाँ पे यूज़र को पढ़ने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ जो एसेंडर लाइन या डिसेंडर लाइन को जो लीडिंग लाइन कहते हैं, एक्चुअली जो मॉन्यूमेंट बिल्ट वाला लाइन है या 20th सेंचुरी वाला लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच काफ़ी डिफरेंस नहीं है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं लीडिंग लाइन। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर मैं बताऊँ लीडिंग लाइन का होता है तो दोनों लाइन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 120%। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पैराग्राफ को आपने 10 पॉइंट दिया है तो 10 पॉइंट का 120% हो गया 12 पॉइंट, यानी दोनों लाइन के बीच में 12 पॉइंट का लीडिंग लाइन का साइज होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए। फोटोशॉप में आप जब कैरेक्टर यूज करते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा, 12 पॉइंट आप करोगे तो इस तरह का डिजाइन आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिट लाइन विड्थ, यानी एक लाइन के विड्थ में कितने कैरेक्टर्स अच्छे लगेंगे। अगर यहाँ पे मैं देखूँ एक पैराग्राफ है इसमें 40 कैरेक्टर्स है एक लाइन में, जो काफ़ी अच्छा है, लोग इसको यूज़ करते हैं बेसिकली, बट अगर हम लोग आगे देखें तो 60 कैरेक्टर जो पर लाइन होता है ये परफेक्ट होता है यूज़र को पढ़ने के लिए, क्योंकि जहाँ फर्स्ट लाइन ख़त्म हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन जाने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और फर्स्ट लाइन का जो डेटा है उसके दिमाग में रहेगा, तो वो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से ईजिली कनेक्ट कर सकेगा। वहीं पर अगर लाइन का विड्थ हम लोग ने बढ़ा दिया, यानी एक लाइन में हम लोग ने 90 कैरेक्टर पर लाइन दे दिया, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यूज़र को ध्यान में रखना कि उसने फर्स्ट लाइन में इनिशियली क्या क्या पढ़ा था, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है यूज़र को पढ़ने के लिए। तो बेस्ट एग्जांपल होगा या बेस्ट तरीका होगा 60 कैरेक्टर्स पर लाइन, आप किसी वेबसाइट पर देखो तो 60 या 65 का विड्थ नॉर्मली यूज़ किया जाता है। 40 कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर मोबाइल, मोबाइल में नॉर्मली 30-40 कैरेक्टर्स पर लाइन होता है क्योंकि वो छोटा स्क्रीन है, फॉन्ट साइज छोटे होते हैं, तो 30-40 कैरेक्टर एक लाइन में प्रॉपरली बैठ जाते हैं और यूज़र को पढ़ने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि किसी भी डिज़ाइन में टाइपोग्राफी करते वक्त अब 2 से या 3 से ज़्यादा फॉन्ट यूज़ ना करें। यहाँ पे आप देखो कि ताजमहल इज़ अ डिफरेंट फॉन्ट, आगरा उत्तर प्रदेश जो मैंने लिखा है वो एक डिफरेंट फॉन्ट है, और नीचे जो पैराग्राफ है वो भी डिफरेंट फॉन्ट है। 3 फॉन्ट एक ही पैराग्राफ में यूज़ किया है तो चलो ठीक है, बट 3 से ज़्यादा, मैं तो इनफैक्ट कहूँगा तो 2 से ज़्यादा फॉन्ट यूज़ करना एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो यूज़र को पढ़ने में दिक्कत हो सकती, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया ऑफ पुटिंग मोर देन 2 or 3 फॉन्ट्स। तो दोस्तों ये है बेसिक टाइपोग्राफी का प्रिंसिपल जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने इतना भी कवर कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकोगे, ऑनलाइन जाके आप एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि मुझे लगता है टाइपोग्राफी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वास्ट है, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, बट शुरुआत करने के लिए ये सारे बेसिक्स पॉइंट अगर आप ध्यान में रखो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टाइपोग्राफी आर्टिस्ट बन सकते हो या टाइपोग्राफी का यूज़ कर सकते हो अपने वेब डिज़ाइन में या ग्राफिक डिज़ाइन में।